उसे ब्रेक किया हमारे नए मेंटोर ने, और यही तो है नेक्स्ट ऑफ लीडरशिप की बात, राइट? मेक एंड लीड बाय एग्जांपल, एंड दैट इज व्हाट दिस लीडर हैज डन, दिस इज व्हाट द न्यू मेंटोर हैज डन. आल्सो हिज टीम हैज हैड हाईएस्ट कैप अचीवर्स फ्रॉम कुछ स्वीट में, रसमलाई में, कुछ बिरयानी में टेस्ट है, है क्या? नहीं, टेस्ट होती है भूख में. टेस्ट होती है भूख में. एक खाओ, दो खाओ, पेट भर गया. रसमलाई भी बहुत इरिटेट लगता है. अभी सिचुएशन ऐसा लग रहा है, इतना रसमलाई खाने के बाद हमारा जामुन कैसा लगेगा? ऐसे तक नहीं जाएंगे, कुछ देके ही जाएंगे. दोस्तों, यहां पे सक्सेस के बारे में बोला जा रहा है. हमारा मेंटर्स जो सक्सेस जो बोलते हैं, मैं सिर्फ 3 पॉइंट के ऊपर 5 मिनट में बोल के यहां से निकलता हूं, क्योंकि अभी कुछ बहुत मेहमान है क्यों में है, उसका भी मैं सुनना चाहता हूं. बात बात तो मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं आपका बन गया 100% मिलता रहता हूं. आप कहां बुलाओगे, मैं आता रहता हूं, वो प्रॉब्लम नहीं है. दोस्तों, ये सक्सेस है ना, ये लीडर का सक्सेस ये डेस्टिनी नहीं है, ये ऑलवेज जर्नी. मगर ये सक्सेस इसको मिलता है, ज्यादा मिलता है वो लीडर को मिलता है. लीडर का मैं कुछ बहुत डेफिनेशन है, मैं कुछ मेरे एंगल में बोलता हूं. लीडर होने के लिए कुछ चीज चाहिए, वही है हिम्मत. हिम्मत, हिम्मत होना है. हिम्मत क्यों होना है? देखो, हम कुछ साइंटिफिकली सोचे तो हमारा बॉडी में इंपॉर्टेंट अंग कौन है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. आंख है, आर्ट है, सब कुछ बोलते हैं. मेरे हिसाब से एक रिसर्च बोला जाता है, जो लीडर्स इस वर्ल्ड को रूल किया है, उसमें एक नाम लेते ही सबका जोश उठती है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, नहीं जा रहा हूं. सबका जो जोश उठती है उसमें क्या था, यह नाभि, नाभि चक्र किया जा रहा था देह में, क्योंकि हमारा जीव का जब जन्म होता है वहां से हमको फीडिंग लगता है. उस नाभि चक्र किसी का डेवलप होता है वो 100% हिम्मत वाला होता है, कुछ भी नहीं सोचता है. वो नाभि चक्र बढ़ाने के लिए नेचरोमोर या इजी डिटॉक्स या कोई दूध नहीं खिला सकती है उसको. एक ही मेडिसन है, वो हिम्मत, हिम्मत, हिम्मत. जो धैर्यशाली होता है उसका नाभि बहुत बड़ा होता है. वो कुछ सोचता ही नहीं है दोस्तों. क्यों? हिम्मत आने के लिए आपको क्या चाहिए? दोस्तों देखिए, जब हम अकेले होते हैं ना, हमको डरता है, हम डर फील होते हैं. हम लोग हम हिम्मत होने के लिए क्यों यहाँ पे हिम्मत रखो, क्योंकि आप इधर अलोन नहीं है. आपके पीछे वर्ल्ड बेस्ट आरएनडी टीम काम कर रहा है. वर्ल्ड बेस्ट आरएनडी टीम, जो लोग सोच नहीं सकता है ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं सोचा इंडिया में, जिस उसने बना दिया. हो रहा है ऐसा, होता है ऐसा, होता है बुलडोजर जा रहा है नीचे से, सोचा ही नहीं था. अरे वो पता था थोड़ा, इतना ब्रीफ में सोचा इसका मामला क्या है. अरे बाप रे, वर्ल्ड का बेस्ट आरएनडी आपका पीछे खड़ा है, आपका हिम्मत कैसी होनी है? अरे कौन तू, मेरे पीछे कौन? वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास. कैसा टेक्नोलॉजी दोस्तों? मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, मेरा बेस्ट कंट्री है जापान. मैं बहुत प्यार करता हूं जापान से.
एज अ इंडियन मैं जापान को बहुत प्यार करता हूं, क्यों है कि सोचो यहां पे चाइल्ड लेबर इलीगल है, मगर जापान में चाइल्ड लेबर संस्कार है। वहां पे देखो इंडिया में काम धीरू भाई अंबानी जी बचपन में काम कर रहा था, हमारे मोदी जी बचपन में काम कर रहा था। जो बचपन में काम करता है उसके संस्कार आता है, उसके हिम्मत आता है। लड़कों कुछ ना कुछ करने के लिए होता है मगर डर आ जाता है, क्यों मुझसे नहीं होता है, हैंडल नहीं होता है, स्किल नहीं रहता है। बाप माँ बाप ने क्या बोलते हैं, बेटा तू कुछ मत कर, बेटा घर जाके तेरा लोगों के साथ बीट मार के आ, कुछ मत कर। अरे नेट सर सोचा क्या, टेक्नोलॉजी का इशारा लिया, मोबाइल में कुछ कुछ दबाते हो अच्छा दबाओ पैसा आएगा। अच्छा मेरा जो फुल फैमिली है वो बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली है, इसीलिए इकोनॉमी वो मुझको बहुत याद दिलाता है कैसा है, कैसा ग्रो करता है, कैसा। दोस्तों कंट्री डेवलप होना है, कंट्री डेवलप होना है तो लोग डेवलप होना है, लोग रिच होना है, लोग रिच होना है तो पैसा प्रिंट करके तो नहीं दे सकते, पैसे को वहां से ही जनरेट करनी पड़ती है। वो मार्केट, वो लोग जो इंडिया को नेक्स्ट रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो लोग जो कंफ्यूज है, वो थोड़ा हट गया है वहां पे, उन लोगों के लिए इतना स्टेबिलिटी लॉन्च किया ना, मैं बोलता हूं आज का जो लॉन्चिंग हुआ ई टेलर ये जबरदस्त था, आज का कार्यक्रम नंबर वन, नंबर वन बनाएगा ई टेलर। ई टेलर आपका आगे पीछे कौन है, नंबर वन आरएनडी, नंबर वन टेक्नोलॉजी, और उससे ज्यादा ब्यूटीफुल इकोनॉमिस्ट है आपके पीछे। दोस्तों ये तीन होते हुए भी आप कैसा होना चाहिए, आज से ऐसा मत रहो, थोड़ा उठाओ हिम्मत वाला बनो, क्योंकि जब आप में हिम्मत बढ़ती है आप में दूसरा पॉइंट खड़ा होता है, वही है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना क्योंकि ऑब्जर्विंग में मैं इजराइल का नाम लेना सुन, इजराइल दुनिया का सबका जो टेंशन है, सबका जो बहुत प्रॉब्लम है उसी के है, मगर ऐसा ऑब्जर्व करता है ना। मैंने तीन बार गया इजराइल में, एक छह महीने वहां पे काम भी गया था। वहां पे वो लोग बोलते हैं ना, एक आदमी कंट्री में एंट्री होता है, वो अननोन पर्सन, वो कौन सा रिलीजन का होने दो, मैं रिलीजन लेके बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा भी होने दो, 10 आंख उसके पीछे जाता रहता है। वही ऑब्जर्वेंस अभी इजराइल को बहुत तेजी पावरफुल कंट्री में लाके चले, छोटा है मगर ऑब्जर्वेंस। हम ऑब्जर्व क्यों नहीं करते, ऑब्जर्व किया तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, तू मर गया जैसा नाटक करो, मैं रो गया जैसा नाटक करो। सिंपल है ना, तू मर गया जैसा नाटक करो, मैं रो गया जैसा नाटक करता हूं, खेल करता हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑब्जर्व करना शुरू करो, किस क्या चाह रहे हो और कैसा चाह रहे। तीसरा पॉइंट एजुकेशन, दोस्तों एजुकेशन, दोस्तों एजुकेशन का कोई डेफिनेशन नहीं, मैं बोलूं तो एबीसीडी एजुकेशन नहीं है, लेटर्स पढ़ना या ग्रामर पढ़ना और कुछ फार्मूला पढ़ना। दोस्तों एजुकेशन वो होती है, वो हर काम का कुछ एजुकेशन होता है। हम कटिंग शॉप चाहते हैं वो वेल एजुकेटेड है, हम अनएजुकेटेड है, उसके आगे तो हम सर बैठ के ऐसा बैठना पड़ता है, ए, ऐसा काट बोले तो चुप बैठ रहे। धीरू भाई अंबानी जी का, अनिल अंबानी जी का फ्लाइट होने दो, मगर पायलट को जाके तू ऐसा सर प्लीज यू कैन सिट नाउ आई कैन राइट, व्हाई बिकॉज इज अ वेल एजुकेटेड, आपका है तो है। दोस्तों ए नेटवर्क मार्केटिंग में केतन सर कल क्या कहा, ये लोग है वो एजुकेटेड नहीं है, आप एजुकेटेड है, आप वेल एजुकेटेड है, क्योंकि ऐसा एक इंडस्ट्री में आप में हो, उस एजुकेशन आप सोचो इसमें राइट तरीके में लोगों को सिखाते जाना,
टाइम टाइम पे सिखाते जाना, ऑब्जर्व करो, हिम्मत रखो, एजुकेशन दो। आप कितना भी ड्रीम रखो, यहाँ पे कितना भी ड्रीम रखो, वो सबको आप अचीव कर सकते हो। आप सबके लिए मैं और एक बार शुभकामना देता हूँ, शुभकामना बोलता हूँ। आप सभी लोग कैप अचीवर होके नेक्स्ट एमसीएम मीटिंग में मिलने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।